हेलो गाइज एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। माय नेम इज अमन गोजरे एंड यू आर वाचिंग टेक टॉक। फाइनली गाइज यहाँ पे जो है हमने पोको एक्स टू में पबजी का जो एक्सट्रीम लेवल का गेमिंग टेस्ट है वो कंप्लीट कर लिया है एंड क्या कमाल के रिजल्ट्स निकल के सामने आए यार। मतलब काफी बढ़िया फोन लगा ये मुझे। बाय डिफॉल्ट अगर मैं इस फोन की बात करूँ तो ये जो है वो एच डी प्लस हाई पे ही खेलता है। हालांकि इसके अंदर आपको स्नैपड्रैगन 730G प्रोसेसर देखने को मिलता है। जी मतलब यहाँ पे गेमिंग से है दोस्तों, पर फिर भी ये जो प्रोसेसर है वो यहाँ पे सिर्फ एच डी प्लस हाई पे भी जाता है। तो यहाँ पे फायदा क्या हुआ यार, स्नैपड्रैगन 675 भी तो आपको यहाँ पे एच डी प्लस हाई पे गेमिंग जो है वो पबजी खिला देता है। बट मैंने जो है इस फोन की लिमिट्स को थोड़ा पुश किया यहाँ पे सॉफ्टवेयर की मदद से। मैंने इसकी एफ पी एस को बढ़ाया और मैं इसकी जो ग्राफिक्स को है वो HDR+Extreme तक लेके गया, देन मैं HDR+Extreme तक लेके गया। तो क्या एक्सपीरियंस रहा मेरा, उसी बारे में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके गाइस, आज शाम से ही मैं यहाँ पे इस पे ना जो है वो गेमिंग टेस्ट कर रहा था। मैं यहाँ पे इस पे पबजी खेल रहा था बार बार। मैंने इस पे काफ़ी ज़्यादा पबजी खेली और अभी जो है वो रात के 10 बज चुके हैं और मैं शाम के 5:30 बजे से इसके ऊपर जो है वो पबजी खेल रहा था। सो फाइनली अब जो है वो मैं अपना रिव्यू कंप्लीट यहाँ पे आप लोगों को दे रहा हूँ कि कैसा रहा मेरा एक्सपीरियंस इतने घंटे गेमिंग करने के बावजूद इस फ़ोन के ऊपर। तो यहाँ पे बात करते हैं हम स्टार्टिंग से। तो जब मैंने इस गेम को लोड किया तो मैंने देखा कि ये जो गेम है ये 25 से 26 सेकंड लेती है लोड होने में। तो स्नैपड्रैगन 730G यहाँ तो बढ़िया काम कर जाता है, बिकॉज 25-26 सेकंड में पबजी लोड करना एक काफ़ी अच्छी बात है यार। काफ़ी जल्दी यहाँ पे पबजी लोड हो जाती है। उसके बाद यहाँ पे मैंने गेम्स कुछ इसमें प्ले की। सबसे पहले मैंने नॉर्मल जो है वो ग्राफिक्स के पे यहाँ पे गेम प्ले किया HDR+Extreme पे ही। मतलब यहाँ पे मैंने जो है वो पहले TDM मैच लगाया और उसकी कुछ झलकियाँ जो है वो आप देख सकते हो। तो यहाँ पे अगर मैं अपने फर्स्ट मैच की बात करूँ ना तो HDR+Extreme में ये जो गेम है ये बिल्कुल भी नहीं फंसती और एकदम मक्खन की तरह, मतलब ये जो फ़ोन है अपनी ग्राफिक्स को हैंडल करता है HDR+Extreme पे भी। मतलब आपको महसूस नहीं होगा कि आप इस फ़ोन पे जो है वो थोड़ा लोड डाल रहे हो या कुछ आपको ऐसा, मतलब इस फ़ोन की दिक्कत वाली फ्रेम ड्रॉप्स या फिर लैग आपको कुछ देखने को मिलेगा, तो ऐसा कुछ भी यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिलता। बटरी स्मूथ जो एक्सपीरियंस है वो आपको इस फोन के ऊपर देखने को मिलने वाला है। तो फर्स्ट गेम लगाने के बाद गाइज यहाँ पे मैंने जो है वो आप बैटरी वगैरह टेस्ट किया तो आप देख सकते हो कि बिल्कुल थोड़ी सी ही बैटरी यहाँ पे ड्रेनेज हुई थी 15-20 मिनट के गेम प्ले के बाद। तो एक गेम ही मैंने अभी तक इस पे लगाई थी और उसके बाद मैंने इसकी बैटरी का हीटिंग टेस्ट भी किया तो बैटरी इसकी ओके कंडीशन में थी, बिल्कुल भी यहाँ पे हीटअप नहीं हुई बैटरी, बिल्कुल नॉर्मल यहाँ पे बैटरी थी। और अगर मैं टेम्परेचर की भी बात करूँ तो यहाँ पे 15 या 16 डिग्री टेम्परेचर है तो ठीक ठाक टेम्परेचर है अभी तो। ज़्यादा यहाँ पे ठंड भी नहीं है और गर्मी भी नहीं है, तो कुछ इस तरह की यहाँ पे इसकी हालत रही। उसके बाद जो है वो दोस्तों मैंने एक गेम यहाँ पे प्ले किया इसकी नॉर्मल ग्राफिक्स पे, यहाँ पे बिल्कुल स्मूथ पे और प्लस अल्ट्रा पे। तो अल्ट्रा पे यहाँ पे मैंने FPS काउंट भी आप देख सकते हो, तो FPS काउंट जो है वो यहाँ पे आपको रेगुलर 30 के करीब यहाँ पे देखने को मिल रहा था, 40 तो यहाँ पे कभी कभी ही जा रहा था। तो ये बात मुझे बड़ी बेकार लगी यार कि आपको FPS जो है वो नॉर्मल सेटिंग्स में बिल्कुल अच्छा नहीं देखने को मिलता, जबकि अगर मैं FPS सॉफ्टवेयर की बात करूँ तो उसको अप्लाई करने के बाद जो रिजल्ट्स थे वो कुछ और ही मुझे देखने को मिले, जो कि बहुत ही ज़्यादा चौंका देने वाले थे। सो वीडियो को पूरा ज़रूर देखना यार, आप भी देख के हैरान रह जाओगे। एंड अगर मैं यहाँ पे बात करूँ गेम प्ले की तो गेम प्ले मेरा काफ़ी ज़्यादा बढ़िया रहा। हाँ मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि मैंने गेम बहुत ज़्यादा अच्छी खेली, मैं बोल रहा हूँ कि फ़ोन ने जो है वो गेम को काफ़ी अच्छे से हैंडल किया। तो अगर गाइस मैं यहाँ पे बात करूँ स्मूथ प्लस अल्ट्रा की तो पबजी जो है वो एकदम एक्सट्रीम लेवल की यहाँ पे हैंडल की पोको एक्स टू ने। कोई भी मुझे लैग स्टटर या फिर कुछ भी यहाँ पे ऐसा देखने को नहीं मिला। FPS काउंटर जो है वो मेरा बीच बीच में ट्रबल ज़रूर कर रहा था, वो बीच में रुक जाता था तो कई बार मुझे गेम बीच में ही छोड़ के दोबारा से FPS मीटर जो है वो ऑन करना पड़ा, तो इस वजह से मेरा गेम प्ले तो और भी ज़्यादा बेकार हो गया। तो प्लीज़ अगेन जज मत करना। ओके गाइस, तो सेकंड गेम लगाने के बाद भी अगर मैं यहाँ पे टेम्परेचर की बात करूँ तो वो बिल्कुल भी रेज नहीं हुआ, फ़ोन जो है वो मुझे एकदम सही कंडीशन में लगा।
बैटरी ड्रेनेज भी यहाँ पे बिल्कुल एकदम ठीक थी। और अगर मैं यहाँ पे आपको डिस्प्ले सेटिंग्स में भी जाके दिखाऊं तो आप देख पाओगे कि मैंने जो सेटिंग्स रिफ्रेश रेट है वो 120 हर्ट्ज पे ही रख रखी थी, तो यहाँ पे मैंने वो भी 60 हर्ट्ज पे नहीं की, तो 120 हर्ट्ज पे भी यार मुझे बैटरी जो है वो कुछ ऐसी ड्रेन होती हुई नहीं लगी। बिकॉज यहाँ पे कुछ लोग कुछ वीडियोज जो है वो मैंने देखी जहाँ पे बोला जा रहा था कि 120 हर्ट्ज जो है वो काफ़ी ज़्यादा बैटरी कंजम्पशन कर लेता है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है यार, काफ़ी अच्छी बैटरी यहाँ पे पोको एक्स टू में आपको देखने को मिल जाती है। ओके गाइज, तो अब यहाँ पे बारी आती है फाइनली पबजी की HDR+Extreme ग्राफिक्स की। तो यहां पे जो मैंने गेम प्ले है उसके लिए मैंने FlashDog सॉफ्टवेयर का यूज किया है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो उस पे जो है वो मैंने पबजी की सेटिंग्स को रन किया, और बाय डिफॉल्ट जो सॉफ्टवेयर सेटिंग्स देगा वही आप करके जो है वो पबजी प्ले करना, तो आपका जो लेवल है वो अल्ट्रा वाला एक्सट्रीम वाला जो है वो अनलॉक हो जाएगा, तो आप HD पे भी और HDR पे भी गेम प्ले कर पाओगे। अगर मैं गेमिंग एक्सपीरियंस की बात करूँ तो क्या स्मूदनेस आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है, और FPS मीटर पे भी आप चेक करना कि जो फ्रेम रेट्स हैं वो कॉन्टीन्यूसली आपको 55 और 60 के बीच में देखने को मिलेंगे। 50 के बिलो कभी कभी जा रहे थे, बिल्कुल ही कभी कभी गए हैं। और अभी तो ये जो TDM मैच है आप इसमें देखोगे, उसके बाद मैंने रैंगल मैच भी खेला था, बट अगर यहाँ पे आप देखोगे TDM मैच के अंदर तो इसमें बिल्कुल भी जो फ्रेम है वो फ्रेम ड्रॉप्स आपको नहीं देखने को मिलेंगे, एकदम बटरी स्मूथ परफॉर्मेंस आपको इस गेम प्ले के अंदर देखने को मिलने वाली है। तो इस वाले सॉफ्टवेयर ने जो है ना यार वो बहुत ही बढ़िया काम किया, और आप यहाँ पे देखो कितना बटरी स्मूथ तरीके से जो मेरा प्लेयर है वो वर्क कर रहा था, और मेरी परफॉर्मेंस जो है वो ऑटोमेटिकली जो है वो थोड़ी बढ़िया हो गई, बिकॉज यहाँ पे प्लेयर जो है वो एकदम मूव कर रहा था 60 हर्ट्ज की यहाँ पे रिफ्रेश रेट देखने को मिल रही थी गेम के अंदर, तो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया मेरा एक्सपीरियंस रहा। खैर, फर्स्ट गेम प्ले के बाद कुछ इस तरह से मेरी बैटरी की कंडीशन रही। तो बैटरी ड्रेनेज यहाँ बहुत ज़्यादा वाला तो नहीं था अगेन, बट हाँ पहले से थोड़ा बढ़ गया था, बिकॉज ग्राफिक की जो सेटिंग्स हैं वो और ज़्यादा बढ़िया हो गई थी, बट गेम एकदम बढ़िया तरीके से चली, कुछ भी लैग वगैरह फ्रेम ड्रॉप मुझे कुछ भी देखने को नहीं मिला। इसके बाद दोस्तों मैंने HD+Ultra में भी गेमिंग की, HD+Extreme में भी गेमिंग करी, तो सेम वही रिजल्ट्स मुझे देखने को मिले, 60 FPS मुझे कॉन्टीन्यूसली देखने को मिल रहा था गेम के बीच में, कहीं भी मुझे फ्रेम ड्रॉप नहीं देखने को मिला, कहीं भी मुझे लैग देखने को नहीं मिला। इनफैक्ट अगर मैं बात करूँ ना तो नॉर्मल गेम प्ले में यानी कि HD+High ग्राफिक्स में अभी गेम फिर भी उतना स्मूथली रन नहीं कर रहा था जितना कि इस सॉफ्टवेयर को यूज़ करने के बाद जो है वो मेरा गेम प्ले बढ़िया परफॉर्म कर रहा था। तो दोस्तों ये तो थी कहानी यहाँ पे TDM मैच की। उसके बाद मैंने सोचा कि TDM में इतना पता नहीं चलता कई बार लैग का, तो मैंने मेन क्लासिक मैच यहाँ पे लगाए, कुछ 2-3 मैंने यहाँ पे मैच खेले क्लासिक मैचेस, और उनमें भी मैंने जो है वो सॉफ्टवेयर यूज़ किया और बिना सॉफ्टवेयर के भी खेला। तो सॉफ्टवेयर यूज़ करने के बाद मैंने यहाँ पे HDR+Extreme पे यहाँ पे गेम प्ले किया, तो 60 FPS जो अगेन है वो मुझे कॉन्टीन्यूसली देखने को मिला। पहले तो अगर आप ग्राफिक्स देखोगे तो आप ग्राफिक देखो कितने बढ़िया ग्राफिक्स आपको देखने को मिल जाते हैं, चाहे वो स्काई का कलर हो, चाहे वो यहाँ पे एरोप्लेन हो, कितना बढ़िया मतलब यहाँ पे आपको व्यू देखने को मिलता है। उसके बाद अगर मैं जंप करवाऊँ तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि आपको कुछ भी गेम लैग अभी तक देखने को नहीं मिल रहा है, और जो स्काई के कलर्स हैं शेडोज हैं वो कितने बढ़िया तरीके से यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। उसके बाद गाइज मैंने जो सोचा कि डायरेक्ट यहाँ पे हम हॉटस्पॉट एरिया पे उतरते हैं, यानी कि मैं उतरा पोचिंकी में जहाँ पे काफ़ी सारे प्लेयर्स ऑलरेडी उतरते हैं, तो वहाँ पे गेम के लैग होने के चांसेस ज़्यादा मिलते हैं। तो मैंने सोचा हाँ अगर HDR पे गेम प्ले हम कर रहे हैं तो अगर गेम लैग होना होगा तो हम ऐसी जगह उतरे जहाँ पे ऑलरेडी बहुत सारे प्लेयर हों, बट यहाँ पे अगर आप गेम प्ले देखोगे तो काफ़ी ज़्यादा स्मूथ रहा, मुझे कुछ भी फ्रेम ड्रॉप्स अगेन या कुछ भी लैग ऐसा वैसा देखने को नहीं मिला कि जैसा कि आपको मतलब फील हो कि हाँ यार ये जो प्रोसेसर है वो इस गेमिंग को हैंडल करने के लिए कैपेबल नहीं है। यहाँ पे इन ग्राफिक्स को इस प्रोसेसर ने जो है वो इतना अच्छे से हैंडल किया पोको X2 में, मुझे समझ नहीं आती कि बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो हमें अल्ट्रा तक की सेटिंग तो एटलीस्ट देखने को मिलनी ही चाहिए थी HD में, बट वो भी हमें यहाँ पे देखने को नहीं मिलती। तो ये मुझे लगता है ये प्रोसेसर की थोड़ी सी बेइज्जती है इस फ़ोन के अंदर, बिकॉज ये जो प्रोसेसर है ये हैंडल कर सकता है पबजी की हायर ग्राफिक्स को, और यहाँ पे ऑप्शन भी जो है वो आपको देखने को मिलना चाहिए था। Thank you.
आगे कर दे। तो गाइस गेम प्ले तो मेरा काफ़ी ज़्यादा बढ़िया रहा, और इस मैच में जो है वो हमने विनर विनर चिकन डिनर भी किया, और पोको एक्स टू के ऊपर ये मेरा पहला चिकन डिनर था, तो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया एक्सपीरियंस रहा यहाँ पे, वो भी HDR+Extreme ग्राफिक्स पे, तो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया लगा। बट फ़ोन जो है वो मुझे काफ़ी वार्म फील हो रहा था, तो मैंने बाहर जाके जो है वो इसकी बैटरी वगैरह चेक की एंड टाइमिंग चेक करी, तो आप देख सकते हो कि बैटरी ड्रेनेज यहाँ पे आपको देखने को मिल जाती है। बट बीच में जो है वो मैंने थोड़ी देर का ब्रेक भी लिया था यहाँ पे, और उसके बाद अगर मैं यहाँ पे बैटरी का टेम्परेचर आपको शो करूँ तो इसकी बैटरी का जो टेम्परेचर है वो 40 डिग्री सेल्सियस तक जा चुका था। तो हाँ भाई, फ़ोन जो है वो डेफिनेटली गर्म हो चुका था, और थोड़ा सा वॉर्म जो है वो आपके हाथों को भी यहाँ पे फील हो रहा था। और अभी यहाँ पे वेदर कंडीशंस भी थोड़ी अच्छी हैं, मतलब यहाँ पे थोड़ी ठंड ही है, तो गर्मियों में अगर आप इस सॉफ्टवेयर के साथ इसको यूज़ करोगे तो यहाँ पे थोड़ी सी कमी ज़रूर हो जाएगी कि आपको जो हीटिंग प्रॉब्लम्स हैं वो ज़रूर देखने को मिल जाएंगी, बट काफ़ी अच्छे से हैंडल कर लेता है यार ये प्रोसेसर, जब गर्मी आएगी तब देखेंगे। फिलहाल के लिए बहुत ही बढ़िया इस पोको एक्स टू ने जो है वो यहाँ पे पबजी को हैंडल किया। सो गाइज, ये था हमारा पबजी रिव्यू पोको एक्स टू के ऊपर। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो जो है वो अच्छी लगी हो और थोड़ी इन्फॉर्मेटिव लगी हो, और अगर ये वीडियो थोड़ी सी भी बढ़िया लगी हो तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, बिकॉज आगे भी आपको ऐसी ही ऑसम वीडियोज़ देखने को मिलने वाली हैं। तो अगर मैं बात करूँ, अगर आप पबजी खेलते हो और पोको एक्स टू लेना चाहते हो, तो हाँ यार आप डेफिनेटली यहाँ पे ले सकते हो पोको एक्स टू, और अगर आप इस फ़ोन की लिमिट्स को भी थोड़ा पुश करना चाहो तो वो भी आप कर सकते हो, अच्छे से कर सकते हो, और ये जो फ़ोन है वो अच्छे से हैंडल भी कर लेगा उस चीज़ को। तो आप अगर पबजी गेम प्ले करते हो तो डेफिनेटली आप ये फ़ोन जो है वो बाय कर सकते हो। सो गाइज, बस यही थी आज की वीडियो, तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो आपको पता ही है क्या करना है, तो यही था रिव्यू इसका। अगर वीडियो पसंद आई हो लाइक कर देना, एंड मिलती हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।